देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। शक्ति की उपासना के नौ दिनी पर्व शारदीय नवरात्र पर देश भर में उत्साह एवं उल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में हर गली मोहल्लों कॉलोनियों में घट स्थापना के साथ ही अनेक आयोजन हो रहे हैं। इन्हीं आयोजनों की श्रृंखला में एक अनूठे आयोजन के रूप में इंदौर के पंचकुइया रोड स्थित बौद्धिक विकास केंद्र युग पुरुष धाम के बच्चों ने नवरात्रि के पावन अवसर पर गरबा करते हुए आगामी 17 नवम्बर को होने वाले चुनाव के लिए लोगों से मतदान में भी शहर को नंबर 1 बनाने की अपील की। संस्था में गरबे की विशेषता थी, एक टीचर के साथ एक दिव्यांग बच्चा पार्टनर बना था। इस दौरान गरबा करने वाले बच्चों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। आमतौर पर सामान्य लोग ही गरबे जैसे नृत्य विधा को कर पाते हैं, ऐसे में मानसिक दिव्यांग बच्चों द्वारा गरबा करते हुए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की अपील करना निश्चित रूप से अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। इस प्रयास के लिए युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र के पदाधिकारी एवं स्टाफ साधुवाद के पात्र है। इस दौरान बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ने भी अपनी सहभागिता निभाई और गरबों के उल्लास को दुगना किया। आयोजन में सामाजिक न्याय विभाग की संचालक सुचिता तुर्की बैस भी पहुंची और उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनके साथ गरबा भी किया तथा बच्चों के द्वारा मतदान की अपील को भी सराहा। संस्था सचिव तुलसी धनराज शादीजा, अध्यक्ष जानवी पवन ठाकुर एवं प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि आज संस्था के 250 बच्चों ने गरबा किया। इसके लिए संस्था के स्टाफ द्वारा पूर्व से तैयारी की जा रही थी। गरबों की प्रस्तुति के पश्चात महाआरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। मेरी माँ माई का जयकारा लगा है। प्रथम मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा, नमन करूंगा कि वो इन दिव्यांग बच्चों में इतनी शक्ति दें कि ये भी देश की उन्नति के लिए काम आ सकें। आज ये दिव्यांग बच्चे ये बताना चाहते हैं, हम दिव्यांग होकर भी इस देश के प्रति समर्पित हैं। जब हम इस देश के प्रति दिव्यांग होकर समर्पित हैं तो आप तो सर्वत्र हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको भी अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। इस वोट को एक अपने आप में निर्णायक स्थिति में लेना चाहिए, इसलिए मतदान का प्रयोग अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है, इसको व्यर्थ न जाने दें। बच्चे आज यहाँ पे देख रहे हैं कि गरबा भी खेल रहे हैं, दिव्यांग बच्चे गरबा खेल कर एक अलग ही माता रानी की भक्ति का यहाँ पे प्रस्तुत करना, उदाहरण क्या कहने चाहेंगे इसको? हमारे यहाँ हर त्यौहार बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। समाज में इन बच्चों को भी जीने का पूरा पूरा अधिकार है, तो नवरात्र के महापर्व पर ये बच्चे अति उत्साह उमंग के साथ माता रानी की आराधना कर रहे हैं, कई बच्चे उपवास कर रहे हैं, उसी संदर्भ में ये बच्चे गरबा भी करते हैं और आपस में एक दूसरे का तालमेल भी बिठाते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करते हैं, तो ये उत्सव हमारे लिए काफ़ी उमंग और उत्साह वाला रहता है। इस तरह इंदौर में प्रशासन ने और शासन ने अपील की है कि हम स्वच्छता में नंबर 1 है, मतदान में भी इंदौर पूरे विश्व में इंदौर भारत में रिकॉर्ड बना और विधानसभा में सबसे अच्छा मतदान यहाँ, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, इंदौर अपने आप में एक मिसाल की है हर बात में। यहाँ का प्रेम देख लो, यहाँ का आत्मीयता देख लो, यहाँ के संस्कार देख लो, तो उस संस्कार को देखते हुए प्रशासन शासन ये चाहता है कि इंदौर भी नंबर 1 बने मतदान में, क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक उपलब्धि जाएगी कि इंदौर वाले भी जागरूक हैं और जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। आज यहाँ पे मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की संस्था के सभी बच्चे बढ़िया तैयार होकर के आए हैं
और सब कोई अपना यहाँ पे गरबा कर रहे हैं। गरबा के साथ साथ इन लोगों ने जनता से अपील कर रही है वोट के लिए, जो स्वीप प्लान के अंतर्गत में सबको सूचना दे रही है कि सबको अपना अधिकार जो है वोट डालने का उसको अपनाना है और सभी को वोट डालना ज़रूरी है। इसी के आधार पे यहाँ पे इन लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और अपना स्वीप प्लान जनता को सूचना दे रहे हैं, उनको सूचित कर रहे हैं कि सारे काम छोड़ करके एक दिन त्यौहार की तरह वोट डालने के लिए जाना है और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है उसको बिना लालच के बिना डरे उसको वोट देना है और एक देश को संचालन करने वाले एक अच्छा नेता चुनना है। प्रशासन ने अपील की है कि जिस तरह स्वच्छता में इंदौर नंबर वन है, मतदान में भी नंबर वन इस बार हो, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन? देखिए, मतदान में नंबर वन तभी बनेगा जब 100% मतदान करेंगे जनता, तभी हमारा नंबर वन होगा। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चूँकि श्री उपरस धाम हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की रखी हुई नींव है और उन्हीं के संकल्प से ये सब चल रहा है और हमारे बड़े सर तुलसी धनराज साधीजा जी हमेशा ये कहते हैं कि आप और हम कौन, गुरुदेव के संस्कार इस संस्था में काम करते हैं। तो आज गुरुदेव का हमारे पास यही संदेश था कि जब हमारे बच्चे हर काम में करते तो आज हमारे देश की जो हमारे देश के लिए मतदान हो रहा है उसमें भी हमारे दिव्यांग बच्चे अपील कर रहे हैं कि हमारे जो इंदौर है उसको नंबर वन बनाना है, इसलिए मतदान देने की अपील सबसे ये दिव्यांग बच्चे कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ आज एक होने वाली है कि दोपहर को 2 बजे हमारी एक एक शिक्षिका एक एक दिव्यांग बच्चों को पार्टनर बना के आज गरबे की प्रस्तुति देंगे और हमारे श्री स्वामी परमानंद हॉस्पिटल के जितने भी चिकित्सक गण हैं वो भी पूरे इंदौर वासियों को अपील करना चाह रहे हैं कि आप अपना मत का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, श्री उपरधाम की प्राचार्य। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मतदान कर सकते हैं उन्हें अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान से ही लोकतंत्र अपना जीवित रहेगा और आगे बढ़ेगा। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।